अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है जीएसए में वो है फूड साइंसेस। फूड साइंसेस क्या होता है और इसमें क्या कैसे कैसे इसके प्रोसेसेस होते हैं, और फिर इसमें जो बैलेंस डाइट है वो किस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स और डिफरेंट में ली जाती है वो चेक करते हैं। फूड साइंसेस जो है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी है फूड की, और उसकी कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके प्रोसेसेस, उसकी प्रिजर्वेशन, उसकी सेफ्टी के बारे में पूरी एक साइंस है, जिसमें वेरियस साइंटिफिक फैक्टर्स जो हैं वो देखे जाते हैं, जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिएंट्स, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का जो है वो यूज़ होता है। इसके अलावा उसके कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं, जिसमें फूड प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, कंजप्शन जो हैं वो जो है वो देखा जाता है। फिर फूड साइंटिस्ट्स वर्क टू इंश्योर द सेफ्टी एंड क्वालिटी, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, एज वेल एज डेवलप इनोवेटिव फूड इंग्रेडिएंट्स, प्रोसेस एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं वो फूड को प्रिजर्व करने में काम करती हैं। फिर है बैलेंस डाइट में कौन सी चीज़ें होती है। बैलेंस डाइट इज़ असेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बैलेंस डाइट जो है वो मतलब कि प्रोसेस की जाती है, उसको डाइट को जो है वो बैलेंस किया जाता है अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, इन प्रोवाइडिंग द बॉडी विद द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इट नीड्स टू फंक्शन प्रॉपरली। इट इन्वॉल्व्स कंजम्पशन अ वैरायटी ऑफ फूड फ्रॉम डिफरेंट फूड ग्रुप्स इन अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शंस इन टू इंश्योर एडिक्वेट इनटेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। मतलब कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं और कौन से नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है वो मेंटेन हो सकती है, तो वो बैलेंस डाइट में जो है वो डिसाइड किया जाता है। अब क्या क्या चीज़ें होती है, जिसमें सबसे पहला जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, कितनी बॉडी को जो है वो नीड है एनर्जी की। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो फूल जो प्रोवाइड की जाती हैं फ्यूल फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़ और एसेंशियल बॉडीली फंक्शंस, कि बॉडी जो है वो अपने फंक्शंस जो है वो प्रॉपरली काम करें। दे आर फाउंड इन फूड सच एज ग्रेन्स में पाई जाती है, ब्रेड में, पास्ता में, राइस, पोटैटोज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन होल ग्रेन्स, legumes and starchy vegetables are preferable over simple carbohydrates such as sugar and refined grains, as they provide sustained energy and are rich in fiber, vitamins and minerals. Phir aata hai proteins. Proteins is essential for building and repairing tissues, synthesizing enzymes and hormones and supporting immune functions. Good sources of proteins include lean meats, poultry, fish, eggs or dairy products, legumes, nuts, seeds and tofu. It is important to consume a variety of protein sources to ensure adequate intake of essential amino acids, which are the building blocks of protein. तो ये सारी चीज़ें जो है इनमें प्रोटीन होता है, और बॉडी के लिए बैलेंस डाइट को मेंटेन करने के लिए जो है वो इनकी कुछ कुछ मिकदार जो है वो ली जाती है। फिर फैट्स और ऑयल्स बॉडी के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। हेल्थी फैट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, सपोर्टिंग सेल ग्रोथ, प्रोटेक्टिंग ऑर्गन्स एंड एब्जॉर्बिंग फैट सॉल्युबल विटामिन में ए, डी, ई और के। और इसके अलावा अनसेचुरेटेड फैट्स फाउंड इन फूड सच एज नट्स, सीड्स और एवोकेड्स, ऑलिव ऑयल और फैटी फिश आर बेनिफिशियल फॉर हेल्थ हार्ट हेल्थ एंड शुड बी इंक्लूड इन मॉडरेशन। सेचुरेटेड फैट्स फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट्स एंड आर सम प्लांट्स ऑयल। फैट्स और ऑयल जो हैं वो सही मिकदार में, जिसमें प्रोसेस्ड एंड फ्राइड फूड्स, और इसके अलावा शुड बी लिमिटेड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से बचने के लिए फैट्स और ऑयल की मिकदार जो है वो दरमियानी लेनी चाहिए, ज़्यादा लेने से जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बढ़ जाती है। फिर आते हैं विटामिन्स की मिकदार। आर द एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दैट प्ले रोल प्ले की रोल्स इन वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस
including metabolism, immune functions, and cell growth. They are food in a wide range of foods, including fruits, vegetables, or whole grains, dairy products, and lean proteins. Each vitamin has a specific function and health benefits, so it's important to consume a diverse and balanced diet to ensure adequate intake of all vitamins. तो विटामिन्स भी कुछ फूड्स में जैसे वेजिटेबल फ्रूट्स और दूसरे डेयरी के प्रोडक्ट्स हो गए, इनमें सही मिकदार में बॉडी के लिए जो असेंशियल हैं वो लेने। फिर आता है मिनरल्स आर दी असेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर बोन हेल्थ, फ्लूड बैलेंस, नर्व फंक्शन एंड मैनी अदर साइकोलॉजिकल प्रोसेस। मेजर मिनरल्स सच एज जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम जो हैं वो लार्जर अमाउंट में लेने हैं, वाइल ट्रेस मिनरल्स सच एज आयरन, जिंक, सेलेनियम और कॉपर जो है वो स्मॉल अमाउंट में। मिनरल्स आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ फूड्स जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स, लीफी ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स और मेटल्स हैं। फिर आता है हमारा लास्ट फाइबर। फाइबर इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन not be digested by the body but plays a crucial role in digestive health, regulating bowel movements, reducing cholesterol levels and controlling blood sugar level. Fiber जो है वो type of carbohydrates है, लेकिन वो digest जो है वो नहीं होता body में, लेकिन एक crucial role play करता है health को digest करने में, जिसमें उसकी कुछ रेगुलेटरी बाउल्स मूवमेंट्स होते हैं, रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसका रो है, उसका काम है, और ब्लड में शुगर का लेवल। फाइबर रिच फूड्स इंक्लूड जिसमें फूड, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन, नट्स और सीड्स हैं। इसके अलावा इट्स इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम बोथ सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल फाइबर एज पार्ट ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट टू सपोर्ट ओवरऑल हेल्थ और वेल बींग। सो ये सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू था हमारा सारा। इसके रिगार्डिंग आपको बैलेंस्ड डाइट, फूड साइंसेस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आपको इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।